सो हेलो एवरीवन, जय माता दी। तो आज है नवरात्रि का लास्ट डे, तो आज है नवमी। तो यहाँ पर मैं भोग थाली बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने पूड़ी निकाल ली है। तो यहाँ पर ये गरम गरम पूड़ियाँ मैंने निकाली, और अब इसके पहले ही मैंने आलू की सब्ज़ी और हलवे वगैरह सब कुछ बना लिया था। तो लास्ट में मैंने पूड़ी निकाली है, तो मैं दिखाती हूँ मैंने क्या क्या बनाया भोग में। तो ये देखिए, आलू वाली भंडारे वाली सब्ज़ी जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में, तो ये बनाया मैंने। और इसके साथ मैंने बनाया ये हलवा। तो ये जो भी मैंने पीछे एक कुकवेयर ख़रीदा था, ये उसी में मैंने आज इसका उद्घाटन किया है। तो यहाँ पर मैंने ये बनाया था सूजी का हलवा, और देखने में टेम्पटिंग लग रहा है ना। और यहाँ पर ये चने, क्योंकि चने के बगैर तो भोग अधूरा ही है माता रानी का। तो ये वाले काले वाले चने मैंने बना रखे थे। तो इसकी रेसिपी मेरे इस पे चैनल पर है, आप प्लीज़ देख लेना। तो यहाँ पर मैंने भोग के लिए ये नौ देवियों के नाम से ये भोग निकाल दिया था। तो ये देखिए, सभी में मैंने ये पूरा प्रसाद रखकर माता रानी के सामने रखा हुआ था, और माता रानी का भोग अलग से मैंने बना कर रखा था, ये उनका भोग था। तो ये मैंने मंदिर में चढ़ाया हुआ था, ये देखिए। और यहाँ पर हमने नारियल वगैरह भी फोड़ लिए थे, तो यहाँ पर नारियल भी चढ़ा दिया था। तो मैं ऐसे ही पूजा कर पाती हूँ जैसे कि मुझे मतलब आती है, मेरे घर में जैसे की जाती थी वैसे ही मैंने की है पूजा। तो अगर किसी को मतलब अच्छे से आती हो तो प्लीज़ आप ज़रूर बताना, मुझे ऐसी आती। और अब इसके बाद मैंने निकाल दिया था और सभी के लिए घर में भोग प्रसाद। तो यहाँ पर ये इनके पापा की थाली लग चुकी है, अभी वो भी ऑफिस नहीं गए हैं क्योंकि आज थोड़ा सा लेट से ही जाना था उन्हें भी, क्योंकि नारियल वगैरह फोड़ना था। और यहाँ पर मैंने बैबू की भी थाली लगा दी थी। तो ये देखिए, ये भोग प्रसाद थाली कैसी लग रही है आपको? तो थोड़ा सा भी अच्छी लगे प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और यहाँ और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग।